हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुराई के रास्ते को अपनाते हैं तो आपका आखिर में अंत हो जाता है, और हमेशा बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलें और सच्चाई के रास्ते पर रहें। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपके सामने बड़ी से बड़ी बुराई भी हार जाती है। एक गांव में एक साथ कई सारी चुड़ैल आ जाती है। सखियों, अगर हम गांव में ऐसे ही घूमती रही तो एक दिन गांव वाले हमारा अंत कर देंगे। हमें अपने आप को बचाने के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। ये सुनकर सभी चुड़ैल बोली कि हाँ, हमें अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होगी, और शक्तियाँ बढ़ाने के लिए हमें गांव वालों को मारना होगा। चुड़ैल ने मिलकर एक प्लान बनाया। सखियों, हम बच्चों को अपना शिकार बनाएंगे। हमें उन्हें धोखे से पकड़ना होगा। बच्चों को पकड़ने के लिए हम एक बोतल के अंदर छुपेंगे, और जब भी कोई बच्चा बोतल उठाएगा तब हम बच्चे को पकड़ लेंगे। इतना बोलकर सभी चुड़ैल एक एक करके बोतल में छुप जाती है। कुछ समय बाद उसी रास्ते से गांव के कुछ बच्चे गुजर रहे होते हैं। वे बच्चे उस बोतल को सड़क के बीच में पड़ा देख बोलते हैं, अरे ये क्या, सड़क पर कचरा नहीं होना चाहिए, हमें ये बोतल कचरा पेटी में डाल देना चाहिए। जैसे ही वे बोतल के पास जाते हैं तो बोतल से सारी चुड़ैलें बाहर निकल आती है और उन सभी बच्चों को पकड़ लेती है। बचाओ, बचाओ। किसी भी गांव वाले को बच्चे की आवाज सुनाई नहीं देती, और सारी चुड़ैल बच्चों को जंगल में ले जाती है। जंगल जाने के बाद चुड़ैल आपस में बातें करती है। ये क्या सखी, अभी तो सिर्फ चार बच्चे ही इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें तो पांच बच्चे चाहिए। हमें एक और बच्चे को पकड़ना होगा। फिर सभी चुड़ैल दोबारा वही प्लान का इस्तेमाल करती है और गांव के अलग अलग हिस्सों में बड़ी बोतलों के अंदर जाकर छुप जाती है। अब तक गांव वाले अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि गांव में रहने वाले सांप उनके बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस वजह से सारे लोग चुन चुन कर सांपों को पकड़ने लगे। तभी नागराज प्रकट हुए। आप सब लोग हमारे सर्पवंश को क्यों परेशान कर रहे हैं? आखिर हमारी गलती क्या है? नागराज, आज हमारे गांव के बच्चे लापता हुए हैं। आप लोगों ने उन्हें अपना शिकार बनाया है। सर्पवंश के किसी भी सांप ने ऐसा कार्य नहीं किया है। हम सभी बेगुनाह हैं। तो फिर हमारे बच्चों को गायब कौन कर रहा है? कहाँ है हमारे बच्चे? फिर नागराज अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि बच्चों को चुड़ैल बोतल के अंदर छुपकर उन्हें फंसाकर ले जा रही हैं। फिर नागराज को एक युक्ति सूझती है। वे बच्चों का रूप धारण करके एक बोतल के पास जाते हैं। तभी बोतल से चुड़ैल बाहर आती है और नागराज को बच्चा समझकर पकड़कर जंगल में उसी जगह ले जाती है जहाँ बाकी के चार बच्चे रखे हैं। अब पूरे पांच बच्चे हो चुके हैं। अब हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूजा करनी होगी। फिर बच्चों की बलि देने के बाद हमारी शक्तियाँ बढ़ जाएगी। सभी चुड़ैल पूजा की तैयारी करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तब नागराज अपने असली अवतार में आकर चारों बच्चों को जंगल से बाहर निकालकर गांव में ले आते हैं। ये लो तुम्हारे बच्चे, इन्हें संभालो, मैं उन चुड़ैलों को खत्म करके आता हूँ। नागराज चुड़ैलों का अंत करने वापस उसी जगह पर जाते हैं। वहाँ पर सभी चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। नागराज अपनी शक्तियों से चारों चुड़ैलों को बांध देते हैं। तुम चुड़ैलों ने सभी गांव वालों को और हमारे सर्पवंश को बहुत परेशान किया है, इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। इतना कहने के बाद नागराज अपनी दिव्य शक्ति से वहां आग लगा देते हैं, जिसमें सभी चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। इसके बाद सभी गांव वाले नागराज का शुक्र अदा करते हैं और उन सभी सर्पवंश के सांपों से माफी मांगकर उन्हें छोड़ देते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुराई के रास्ते को अपनाते हैं तो आपका आखिर में अंत हो जाता है, और हमेशा बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलें और सच्चाई के रास्ते पर रहें। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपके सामने बड़ी से बड़ी बुराई भी हार जाती है। राजस्थान में बहुत किले हैं जिनके बारे में बहुतों को पता नहीं होता है। राजेश और कैश इन्हीं किलों में से एक में एडवेंचर टूर पर जाने वाले थे। कैश, कल सुबह की बस से हमें जाना है। कैश इन सब मामलों में आगे रहता था,
और होशियार भी। उसने अपने साथ एक फकीर का दिया हुआ रंग बिरंगे पत्थरों का माला रख लिया और उन्हीं का दिया हुआ यज्ञ का विभूत भी रख लिया। दोनों ने जयपुर की बस पकड़ी। करीब 2 घंटे चलने के बाद, अरे कैश, किला दिख गया, यही उतरना है। अरे बस रोको भैया। बस रुकी, दोनों उतर गए। रास्ते के बगल में एक चाय की दुकान थी। दोपहर का वक्त था, दोनों चाय पीने लगे। राजेश ने बूढ़े चाय वाले से पूछा, काका वो किले को जाने का रास्ता कौन सा है? क्यों भाई, मरने जाना है क्या उधर? यही सोच लो काका। तुम्हारी मर्जी, देखो कोई वैसे रास्ता तो है ही नहीं, झाड़ियों के बीच से सीधे चले जाओ, उधर थोड़ी चढ़ाई है। दोनों जाने लगे तो चाय वाले ने उन्हें टोका, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, दिन ढल रहा है, जल्दी वापस आ जाना। और एक दूसरी बात, वहाँ एक बड़ी सी रेवाड़ी है यानी कि कुआं, उधर झांकना भी मत। दोनों हंसते हुए अपने रास्ते चल दिए। छोटे छोटे झाड़ियों के बीच से होते हुए किले में पहुंच गए। किले में जैसे कोई भारी भरकम हवा चल रही हो, अजीब सा फीलिंग आ रहा है भाई। दोनों जीने से होकर नीचे आए। वहाँ एक पत्थरों का चबूतरा बना हुआ था। उसी चबूतरे के बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था। अरे ये देख कशिश, इसी कुएं के बारे में वो चाय वाला बोल रहा था। वैसे मुझे तो कुछ अलग सा नहीं दिख रहा है। हाँ, पानी काला और भारी सा दिख रहा है, ये तो होना ही है। सैकड़ों साल से इस कुएं को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा ना। तभी जो हो गया उसके लिए दोनों तैयार नहीं थे। 2 बड़े बड़े कंगन पहने हाथ कुएं से बाहर आए और राजेश को गर्दन से पकड़कर कुएं के अंदर ले गए। पानी के झपाक की आवाज हुई। कैश झपट कर सामने आया। तब तक सब कुछ पहले की तरह शांत हो चुका था। कुएं का पानी भी शांत था, उसमें किसी के जाने की हलचल तक नहीं थी। राजेश तू कहाँ है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, मैं तुझे लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। कैश चबूतरे पर फकीर का माला हाथ में लिए और विभूत माथे पर लगाए बैठ गया। रात हो गई। घंघोर काली रात में कुएं से एक औरत बाहर निकल रही थी, भयानक और उतनी ही डरावनी। कुएं से बाहर निकलकर औरत कैश के सामने आई। मैं कुएं की चुड़ैल हूँ, तेरे दोस्त को मैंने पानी के अंदर कैद कर रखा है। आने वाली रात को उसका दिल निकाल कर इस कुएं के पानी में आहुति दूंगी, ताकि मेरी चुड़ैली काला जादू यूं ही बरकरार रहे। तू चला जा यहाँ से, तेरे पास से फकीरी माला और विभूत के कारण तू बच गया। कल राजेश के दिल की आहुति के बाद ये माला और विभूत भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, मेरा काला जादू इतना शक्तिशाली हो जाएगा। आसमान का कालापन थोड़ा धुंधला होने लगा था। चुड़ैल वापस कुएं के अंदर चली गई। मुझे जो करना है आज ही करना होगा। चुड़ैल ने अगर एक बार राजेश के दिल की आहुति दे दी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके बाद। उसने कुएं में झांक कर देखा, पानी बिल्कुल शांत था। उसने बड़े ध्यान से देखा, पानी में डूब के एक कछुआ चुपचाप पड़ा है। तभी उसके फकीरी माला से एक धीमी आवाज आई, यही चुड़ैल है, इसे अगर मारना है तो अभी मारना होगा, वरना रात में ये राजेश के साथ साथ तुम्हें भी मार देगी। उसने अपनी जेब टटोली, जेब में कुछ नरम चॉकलेट पड़े थे। उसने चॉकलेट का गोला बनाया, उसमें फकीर का विभूत अच्छी तरह लगा दिया। फिर धीरे से कुएं में कछुए के सामने वो गोला पानी में डाल दिया। कछुआ झट से उस गोले को निगल गया। बस एक कान फाड़ू धमाका हुआ, खून की धारा बह रही थी। चुड़ैल ने दम तोड़ दिया। जैसे ही चुड़ैल ने दम तोड़ा, कुएं का पानी सूख गया। वहां राजेश पड़ा हुआ दिख रहा था। अब तक बेहोश राजेश को होश आ गया था।
राजेश जल्दी निकल यहाँ से। कैश ने उसे गले से लगा लिया